सो आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाने की कोशिश की जा रही है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू पलवल, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सो कल पूरे उसको हो जाएंगे 2 महीने। कल हो जाएगा मंडे, सो कल उसको पूरे 2 महीने हो जाएंगे। स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल प्रॉपर तरीके से। 90% मैं रिकवर हो चुका हूँ, बट जो 10% है ना, वो 10% अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। सो अपने यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स वगैरह जो भी है, सब कुछ दिखा चुका हूँ। पलवल इसलिए जा रहा हूँ, सो जो पहलवान लोग होते हैं ना, तो उन लोगों की बोलते हैं कि जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें जो पहलवान वगैरह वो सब ठीक कर देते हैं। तो मैंने एक पट्टी तो करा ली है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में पलवल पहुंचने वाला हूं। सो अभी पहुंचने के बाद वहां पे मेरी सेकंड पट्टी होने वाली है। बोल तो रहता है, वो बोल रहे थे कि फ्रैक्चर वगैरह, एक हेयर थिन लाइन जो फ्रैक्चर होता है पैर में, वो फ्रैक्चर आया है। मैंने बल्कि जब ऑलरेडी अपना एक वो कराया था ना एक्सरे, तो उसमें मेरा वो फ्रैक्चर नहीं शो किया गया था, बट उन्होंने देखा अपने तरीके से, तो बोला कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है। तो उन्होंने पट्टी करी, और जो मेरा शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, तो उसमें फ्रैक्चर नहीं, बट उसका जो मांस वास है वो फटा हुआ है। तो आज दूसरी पट्टी है, देखते हैं और क्या बोलते हैं, कितने दिन लगेंगे। और देखा जाए तो आराम, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा बहुत आराम है। प्रॉपर तरीके से जब आराम होगा, जब तो बात ही क्या रहेगी, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट इट्स बिन 2 मंथ्स सही है, 2 महीनों के जिम विम भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो यार कोशिश की जा रही कि जल्दी जल्दी रिकवर हो। यहाँ के बारे में ऑलरेडी मुझे मेरे रिलेटिव ने बताया था कि भाई यहाँ पे पट्टी वट्टी करा लो। अपने यहाँ के पहलवानों पे पट्टी कराई थी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। यहाँ से मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, अगर कोई आसपास दिल्ली NCR में कोई रहता है, किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, बस भगवान ना करे ऐसी कोई किसी को प्रॉब्लम हो, बट फिर भी अगर किसी को आना है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई कहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अगर आप आसपास रहते हो तो आप दिखा सकते हो। एक ये सामने बसंता दवाई खाना है, बसंता दवाई खाना साइड न्यूट्रिशन, उसके जस्ट सर्विस लेन में चलते रहना है। ये देखो, ये सर्विस लेन में चल रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे एक टर्न आएगा राइट साइड में, तो वहाँ पे अपने को मुड़ना है। आई थिंक ये वाली गली है, इस गली में। ये का सामने वो दिख जाएगा, ये रही गली, ये सामने गली हल्की सी, और वहाँ सामने है कुछ तेवतिया टावर, और वो सामने ऑटो खड़ा है ना वहीं पर ही, ठीक है। इस गली में बस थोड़ा सा ही चल के है सामने तेवतिया टावर, और ये है सामने। बाहर से दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कि कितनी भीड़ रहेगी, देखते हैं आज भीड़ है कि नहीं। आज कम भीड़ लग रही है मुझे। हुआ की पट्टी होगी तेरी? हाँ, कंधावाड़ी भी होगी। कर नौकर जो धीरे धीरे नौकर आराम आराम फिर नौकर कहा थे रहा तुम भैया कहा है वो पट्टी फिर मंगाई थे ना पट्टी भैया एक दो चीज कही हाँ चलिए पट्टी पास जाए भैया लाए के देने बोला लेट आए हो तू। पहलवान का नंबर वगैरह जिसको लेना, स्क्रीनशॉट। मंगल, शुक्र, शनि बंद। आज भी पूरा 1.5 घंटे मिले आपको चलते हैं। मौसम तो काफ़ी सही है। ये बन गई मेरी पट्टी, और ये बन गई है पैर में पट्टी। यहाँ यही वाली पट्टी बनती है जो अपनी गर्म पट्टी होती है नॉर्मली मेडिकल वाली, वो भी ये जो सूती कपड़ा होता है ना उसकी पट्टी मांगते हैं। कुछ भूल तो नहीं गया, 300 रुपये लिए हैं। बुल बुलाया है वेनसडे को, आज क्या हो गया सैटरडे। द नेक्स्ट डे, लेडीज एंड जेंटलमैन, सो दिस इज अ सेकेंड डे। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग आलू का पराठा। मम्मी नीचे नाच को साफ़ कर रही है, एंड माय वाइफ, मेरी बहन, वो सब टीवी भी देख रहे हैं और काम अपना कर रही है। सो आज संडे है, तो आज मेरी ड्यूटी है करने की। तो बनाते हैं, सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो कल सिलेंडर वेंडर फिट करता हूँ, उसके बाद करते हैं स्टार्ट अपना प्रोसेस। आपको चॉकलेट किसने दिलाई थी? हैं, पराठे खाओगे आप? नहीं। आलू पराठे खाओगे? नहीं खाना। नहीं खाना?
मैं बना रहा हूँ, चाचू बना रहे हैं, खाओगे? नहीं, मैं तो जेली वाली टॉफी था। कौन सी? जेली वाली। जेली वाले अपनी चाची से मांगो, चाची के पास जाओ, काम कर दीजा, मांग ले जा। मम्मी ने आटा मांड के रखा हुआ है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सो अभी सबसे पहले मैंने निकाली है गाय की दो रोटी, क्योंकि दो रोटी अगर मैं नहीं निकालता तो मेरे को मम्मी और पापा से दोनों से सुनने को मिल जाता बढ़िया वाला। कब जा रहे हो तुम काम? मैं अभी। अभी खा के जाना आलू के परांठे, तुमने बहुत काम कराया आज, ठीक है? बना रहा हूँ पटाखा। यह है मेरा बड़ा वाला भांजा, इसका नाम है निखिल। घर में क्या बोलते बाबू तेरे को? लक्ष्य। लक्ष्य है, और निखिल नाम भी है ये बड़ा वाला। अभी तुमने कुछ खाया सुबह से? नहीं खाया। खा लिया। क्या खाया? रस। रस तो क्या होगा, हम तुम्हें पराठे खिलाएंगे, एक एक पराठे में जिग जाओगे तुम। देसी घी के आलू प्याज के पराठे, मिर्च भी है, मैं खा लोगे मिर्च है? फिर कोई दिक्कत नहीं। तेरी मामी जो है ना, मिर्च घनी तेज खा रहे हैं, क्या करें भाई, हमारे पसीना छूट जाए जैसे ये पसीना आ रहे हैं ऐसे, कितनी मिर्च खा रहा है वो। चलो तू ब्याह मत करियो, नहीं तो ऐसे बनाने पड़ेंगे तो भी परांठे, ठीक है? करेगा मत करियो, ठीक है भैया, ऐसे बनाने पड़ेंगे जैसे यहाँ बन रहे परांठे गर्मी में। क्या नहीं यार, ये बताओ इसका उद्घाटन कौन करेगा, पहले कौन खाएगा? बच्चों को खिला दूँ, ये जो लोग जाने वाले हैं तुम खाओगे। अरे बाबू जग गया, जग गया बाबू, पराठे खाएगा? बताओ कौन खाएगा पराठे, तो टेस्ट करके बताओ एक बार, टेस्ट करके बताओ, फिर इन बच्चों को खिला देता हूँ, ये लोग जाने वाले हैं गाँव अपने, है ना? तो फिर बटर तो है ही नहीं। अरे तो यार टेस्ट करके बता दो ना, देखो ना क्या मस्त कुरकुरे कुरकुरे बनाए, लो टेस्ट करके जल्दी बताओ, फिर इनको खिला देता हूँ मैं, जहाँ आपने भैया बुला के लिया ना, फिर तुम लोग खा लेंगे हैं? पैसे खुल लेगा जा। बाबू जग गया था। अच्छा नमक मिर्च सही है क्या? सही है, चलो लो खा लो, तुम लोग तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, खा लो, बुला लो उसे। कितनी गेल खाओगे? अचार की गेल? अचार की गेल ऐसे ही खाओगे? चटनी लेगा कैचअप? कैचअप आते मैं अच्छा बनाऊं? पापा तुम तुम भी पापा भी अच्छा। अरे तेरे परांठे रखे, खा जल्दी आ जा, ले एक और बना दिए, लो 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 जल्दी खाओ, लो बैठ के खाओ, आ जा गप्पू खा लो यहीं बैठ के मेरे पास। मैं तुम्हें इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि तुम तीनों ने बड़ी ऊपर काम करवाया, ये तो खिलाते नहीं। कब तक आएंगे हमारे पास? आ जाएंगे यार, इन बच्चों को खाने दे, इन बच्चों का खाने दे। 11 बज लिए, बना रहा हूँ। अरे मम्मी का भरोसे रहते तो आज अभी तक कुछ नहीं होता पता है, तो जल्दी करो यार। मम्मी नीचे ना वो अनाज वो कर रही है, साफ कर रही है, भूख लगी है मेरे को। चलो हम अंदर जा, वहाँ हो गए तीन तीन लोग खाने वाले, स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। पेट भर ना भरो, भर दो हैं, हाँ भाई हैं, मिर्च लग गई, मिर्च लग रही है तुम्हें? मिर्च मैंने बहुत सारी डाली थी, लग रही है तुम्हें? आज तुम्हें पेट भर, तुम्हारा पेट भरा भी नहीं होता ना तब भी ना मिलता तुम्हें पराठे, अब ठीक है चटनी और हमारा आटा कम पड़ गया है, चार लोग अभी खाने वाले। चटनी क्या होता है यार? चटनी ये होता है, ये चटनी बोलते हैं इसको, मिक्सचर तुम्हारे यहाँ बोलते होंगे, हमारे यहाँ चटनी बोले करें, ठीक है ना भाई? चटनी बोले हैं गप्पू, क्या बोले? हाँ भाई क्या बोले? चटनी। क्या बोला लागू? चटनी। ठीक है, जब भी तुमसे बात करता हूँ ना पराठे जल जाते हैं मेरे। लो अभी अभी मेरे तो अंदर जाओ यार, अंदर तुम मेरे यहाँ वो मत करो, ठीक है? कौन बना रहा है खाना आज? चाची। क्या बना रही है पता है? अंडा करी और अंडा करी और राइस, ठीक है आप खाओगे? बाबू खाना खाएगा, दूध पिएगा, क्या पिएगा? दूध पिएगा, दूध टीवी देखेगा,
टीवी देखने का टाइम हो गया अभी का। टीवी देखेगा चलो 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 खाना खाएंगे, खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, है ना? हैं हैं